आके कट गया नहीं नहीं कर रहा ठीक है। ये देखिए ये जैसे आपने हाँ। रिटेलर को बनाया ठीक है हाँ। अब आपको करना क्या है जैसे हम लोग 5,000 रुपए लेते हैं रिटेलर से भाई हम लोग 5,000 रुपए ले रहे हैं एक रिटेलर को बनाते हैं हम लोग ठीक है हाँ। तो हम लोग 5,000 रुपए लेते हैं ना हाँ विदाउट डिवाइस जी ठीक है। अब वो जब वो 5,000 रुपये आप जब शुरू में आप किसी को बना रहे हैं तो आपको 5,000 रुपये मतलब 3,000 रुपये आपका बच रहा है ठीक है। हाँ हाँ मतलब 800 रुपये मान लीजिए उसका डिवाइस इंटीग्रेशन का भी आप लोगों ने दिया तो आपको 3,000 रुपये एक का बचेगा। अच्छा जब वो रिटेलर बन जाता है तब उसको ऑफर कीजिए कि आपका 5,000 रुपये लग गया है अगर आप चाहें तो ये 5 आदमी को रिकमेंड करके अपना 5,000 रुपये वापस ले। अच्छा और उसके बाद ये नहीं केवल 5,000 रुपये आपको मिलेगा तो उसको क्या मिलेगा जो भी वो नीचे में बनाएगा तो उसको पर डिस्ट्रीब्यूटर आपने 1,000 रुपये करके दीजिए ठीक है। अच्छा आपके पास जो 3,000 का मार्जिन है 3,000 के मार्जिन में से 1,000 रुपये उसके पास चला गया ठीक है। और 200 रुपया जो हमारा जो सॉफ्टवेयर उसको दिखाएगा पूरा का पूरा 200 रुपया एडमिनिस्ट्रेटिव का। अब वो 5 रिटेलर बनाएगा तो उसका 5,000 रुपये का इनकम आ गया। हेलो आवाज आ रही है? हाँ बोलिए सर ठीक है आवाज आ रही है। अच्छा अब वो 5 आदमी बनाएगा मान लीजिए अच्छा तो उसको 1,000 रुपये मिलेगा लेकिन जो ये इसका जो जिसने बनाया है उसको 6 लेवल तक सबसे 200-200 रुपया मिलते जाएगा जो उसका रिटेलर बनते जाएगा। मतलब पहला जो उसने खुद बनाया उससे उसको 1,000 रुपये मिला। अब जिसको उसने बनाया अगर रिटेलर बनाता है कल के डेट में तो उसको पर रिटेलर 200 रुपया उसको मिलते जाएगा। अच्छा ठीक है तो इसकी इनकम मान लीजिए अगर कल के डेट में उसके 25 आदमी मान लीजिए 5-5 आदमी बना रहे हैं तो उसका 5,000 रुपये का इनकम फिर हो गया। फिर मान लीजिए 25 आदमी ने 5-5 बनाया तो उसका 25,000 रुपये आ गया। तो वो ये चैनल उसका ग्रो करते जाता है ऐसा नहीं कि केवल उसको 5,000 रुपये मिलता है वो भाई 5,000 वो खुद बने ठीक है। देखिए अभी भी वो 5,000 रुपये दे रहा है उसको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है जुड़ने के लिए 5,000 रुपये दे रहा है ठीक है। आपको भी नुकसान इससे कुछ नहीं है क्योंकि आपको जो 5,000 मिलना 3,000 रुपये मिल गया। अब आप उससे एक्स्ट्रा बिजनेस जनरेट करते हैं। अब आप एक्स्ट्रा बिजनेस कैसे जनरेट कर रहे हैं? अच्छा आप जो आपको जो मिल रहा था 3,000 वहां पे आपकी पहली जो पहला लेवल से उसकी इनकम आएगी 1,800 रुपया दूसरे से लेवल से 200 रुपये बढ़ गया 1,600 रुपया फिर 1,400 रुपया 1,200 रुपया 1,000 रुपया 800 रुपया ठीक है। लेकिन आप बढ़ा लेते हैं अगर आप इस माध्यम से ट्रेड करते हैं अपने रिटेलर के माध्यम से आपका मान लीजिए 10 आपने रिटेलर बना लिया ठीक है और 100 रिटेलर के माध्यम से इस प्रचार को आप करना चालू कर देते हैं तो आप धीरे धीरे करते करते आप मान लीजिए 500 से 600 के आसपास कर सकते हैं क्योंकि और वो और आपकी इनकम जो है वो आप देख लीजिए यहाँ पे ये इनकम आती है 9,000 अगर मान लीजिए 25 आदमी भी जुड़ रहा है 5-5 आदमी अगर एक चैनल भी चल पड़ा और ये इसका पैनल में दिखाएगा पैनल में जाके देख सकता है हम उसका पैनल दे रहे हैं अलग से। अच्छा जो जहां वो अपने अपने नीचे देख सकता है कि मेरे कितने रिटेलर हैं उसका ट्रांजेक्शनल इनकम आपको मिलना चालू हो जाएगा आपका ट्रांजेक्शन भी बढ़ जाएगा। जैसे ये रिटेलर जो है रिटेलर को केवल ऑनबोर्डिंग इनकम मिल रहा है ट्रांजेक्शनल इनकम आपको भी मिल रहा है हाँ लेकिन ये है कि जो कमा के आदमी आपका पेमेंट कर रहा है जैसे पहला शुरू उसने किया तो 1,800 मिला जब दूसरे को किया तो 14 जब उसका बनाया वो आदमी बनाता है तो 1,600 मिलेगा ठीक है। फिर जब उसका बनाने वाला बनाता है तो 1,400 रुपये मिलेगा फिर 1,200 मिलेगा मिलेगा 800 रुपये इसी पैटर्न पे आपको पैटर्न पैसा ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका रिटेलर भी आपके काम करना चालू कर देगा भगवान किसी को जी सर उसको हम लोग पैनल फॉर्मेट में दे रहे हैं अलग से। मतलब आपका जो हम लोग इस वेबसाइट पे जो जाएंगे ये हम लोग का जो वेबसाइट है एक मिनट रुक जाइए एक जो वेबसाइट अभी आप लोगों का जो वेबसाइट बना है हम लोग आपको एक दो पैनल क्रिएट कर ठीक है। ये जो वेबसाइट है
यहाँ जो वेबसाइट है ना इसी में हम लोग एक रिटेलर लॉग इन आ जाएगा, एक डिस्ट्रीब्यूटर लॉग इन आ जाएगा। हम लोग दो पैनल दे रहे हैं, एक रिटेलर लॉग इन का एक डिस्ट्रीब्यूटर लॉग इन का। तो अब इसमें क्या है, रिटेलर आदमी जो आप जो आपने हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को एक अलग से कोड मिलेगा और एक रिटेलर को अलग से कोड मिलेगा, और जो भी वो जोड़ेगा उसका सारा चीज उसको दिखाता रहेगा। ठीक है, बिजनेस प्लान डाल देंगे ये आप लोगों का। लॉगिन अभी आज हो सकता है कल चालू हो जाए, कल मंडे से लाइव हो जाएगा ये आप लोगों का। अच्छा, क्या हुआ है ना आप लोगों का जो डिस्ट्रीब्यूटर का भी मिला हुआ है ना आप लोगों को। हाँ, थोड़ा सा ये भी हम लोग ने उसमें किए हैं, हम लोगों ने थोड़ा सा अच्छे तरह से फॉर्मेट कर कर दिया है। ये देखिए, ये डिस्ट्रीब्यूटर का जो है अभी, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटर अर्न्स इन फोर वेज। पहला, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेल ऑन ऑन बोर्डिंग इनकम है ना, एवरी रिटेलर व्हिच ऐड ऑन योर नो अपील लिव एप्स, हाँ जो उससे जोड़ते हैं उसमें आपका मिलता है। हाँ बोलिए श्रवण। अच्छा, यहाँ पे क्या है, जब आप किसी को डिस्ट्रीब्यूटर रिकमेंड करते हैं, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटर फ्रॉम योर टीम, आपको डायरेक्ट में 1500 रुपए मिलता है। ठीक है, अच्छा ये 1500, अभी जो पैनल हम लोग बना रहे हैं तो आपको केवल क्या करना है, इनटू योर वैलिड रिटेलर अंडर हिम एंड इट इज फुली एक्टिवेटेड। आपने एक डिस्ट्रीब्यूटर को रिकमेंड किया और उसने अपने रिटेलर एड, जैसे ही उसका डेट ऑफ ईपीएस एक्टिवेशन डालेंगे वैसे ही ये 1500 रुपए आप जुड़ेगा। अच्छा अच्छा, तो आपने जिसको बनाया उसने किसी डिस्ट्रीब्यूटर को बनाया को मिलेगा और आपको 250 रुपए मिलेगा नीचे वाले से। ठीक है, ठीक। ये 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 सारा का सारा आप टीम स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, अपना जो पैनल आपका मिलेगा, हर हर डिस्ट्रीब्यूटर को एक अलग अलग लॉगिन पैनल मिलने जा रहा है। अच्छा, लॉगिन पैनल दे देंगे सबको, सारे डिस्ट्रीब्यूटर को आप नीचे पूरा देख सकते हैं। अच्छा, एक तो ये हो गया, और जब आपका रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर जब रिटेलर बनाता है तो उस कंडीशन में आपको 150 रुपया, जो हम 1200 रुपए लेते हैं, तो उस 1200 में से 150 रुपया आपको मिलता है डायरेक्ट रिटेलर से। अच्छा, मान लीजिए अगर आपने जिसको डिस्ट्रीब्यूटर रिकमेंड किया, ठीक है, और वो कोई रिटेलर खड़ा कर रहा है, तो आपको 150 रुपए मिलेगा। शर्त यही है कि वो जैसे ही उसको 10,000 का ट्रांजेक्शन कम्प्लीट करता है तब, पहले नहीं। वो मतलब ऐसा नहीं कि रिटेलर बनाते हैं वो 150 रुपये रिलीज नहीं होगा, 150 रुपये रिलीज होने का शर्त ये है कि उसको काम करना होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो आपका वो काम करता है और जो उसको 50 पैसे 1 रुपए जो मिलते हैं, तो पहले लेवल से आपको 40%, दूसरे लेवल से 20%। अच्छा अच्छा, हमने इस फॉर्मेट को चेंज कर दिया है, अब इसका इनकम जो है आपको इमिडिएटली मिल जाएगा। केवल अच्छा, आपको एंट्री करनी है वहां पे कि आपका रिटेलर 1000 से 3000 के बीच में ट्रांजेक्शन कितना किया और 3000 से ऊपर कितना किया, वो एंट्री आप केवल जाके जब कर देते हैं आपका वैलेट में पैसा जुड़ जाता है। अच्छा, हाँ, ये पहले हम लोगों ने 15 हर महीने के 15 तारीख को किया था, अब हम लोगों ने इसको डेली बेसिस पे कर दिया। आप डेली बेसिस पे एंट्री कीजिए, तुरंत ले लीजिए पैसा, मतलब आपने वो काम किया, आप एंट्री करते जाइए, आप पैसा लेते जाइए, हमको जैसे ही आप एंट्री करेंगे वहां पे पैसा आपको दिखा देगा वैलेट में। और उसी, अब इसको और मजबूती प्रदान करने के लिए हमने रिटेलर में भी जोड़ दिया। अगर आपने इसको सही तरह से नहीं समझे तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको जैसे एक चीज जान जाइए, जैसे मैंने अभी तक क्या किया था ना, हम लोग को रिटेलर नहीं बन, मान लीजिए आप लोग नहीं एक तरह से ये कर पा रहे, तो अगर आपने सपोज आपने जैसे अभी आपने एक रिटेलर बनाया है, ठीक है, आपने 10 रिटेलर बनाया, 10 में से 1-2 रिटेलर थोड़ा तेज निकल गए, साइकिल को आगे बढ़ाने लगे, तो इस साइकिल को आगे बढ़ाने से आपको फायदा देखिए कहां तक जा सकते हैं आप, 1.25 करोड़ रुपए तक जा सकते हैं, उतना बहुत बड़ा लंबा चीज हो गया, लेकिन एटलीस्ट 40,000 रुपए तक तो पहुंच ही सकते हैं। ये तो अचीवेबल टारगेट है, ये तो मात्र 25 आदमी ही, आपका 25 रिटेलर ही थोड़ा ढंग का निकल गया, तो आप एकदम तो आसानी से पहुंच सकते हैं, 1,75,000 अचीवेबल है। ये 1,75,000 का इनकम भी जो है वो टफ नहीं है, बचत है। और अब फायदा क्या है, देखिए 5,000 तो अभी भी ले रहे हैं आप उस रिटेलर को भी अपने ग्रोथ का हिस्सा बना लेते हैं, उसको भी साथ में काम करने का मौका देते हैं, बढ़ने का मौका देते हैं। तो रिटेलर को क्या लगेगा कि मैं ट्रांजेक्शन करके
ठीक और ये बकायदा उसको नजर आएगा अपने पैनल पे, गिरते जाएगा, वो देख सकता है कि उसके टीम में क्योंकि कारण क्या है, जब वो जिसको जोड़ रहा है वो तो नजर आ रहा है, लेकिन उसके नीचे लोग क्या कर रहे हैं ये कैसे पता चलेगा उसको अगर पैनल नहीं देंगे तो? उसके नीचे जो लोग जोड़ रहा है, जिसको उसने बनाया उस यहाँ पे उसको छठे लेवल तक मिल रहा है 200-200 रुपए, उसने जिसको बनाया वो जब किसी को जोड़ रहा है तो वहां से 200 रुपए उसको मिलेगा। ठीक है, तो एक रिटेलर 25,000, 1,16,000, मतलब 6,25,000 अच्छा पैसा कमा सकता है चाहेगा तो एक रिटेलर भी। और ये पैसा अच्छा, इसके भी कंडीशन यही है कि जो रिटेलर जोड़ रहे हैं उसका ट्रांजेक्शन होना चाहिए। ठीक है, दो ट्रांजेक्शन एटलीस्ट कर रहे हैं वो, इसमें उससे फायदा आप लोगों को भी होगा। इसमें ये पैसा रिलीज होने का शर्त यही है कि जो भी रिटेलर जुड़ रहे हैं, जो जिसको जोड़ रहा है, ठीक है, तो उसका 3,000 का दो ट्रांजेक्शन करवा ले, आप लोगों को भी हो जाएगा कि आपका ट्रांजेक्शनल वॉल्यूम बढ़ना चालू हो जाएगा। ठीक है, इसको बहुत सोच समझ के हमने प्लान किया है अभी, ठीक है, जिससे कि आप लोगों का थोड़ा सा इनकम में थोड़ा और सुधार आए। ठीक है, कुछ आप पूछना चाहेंगे तो पूछिए। इसका सर ये हमको इसका स्क्रीनशॉट लेके हमको भेज दीजिएगा ना व्हाट्सएप पे, हम वीडियो बना के भेज रहे हैं, ये वीडियो बन रहा है, वीडियो बना के भेज रहे हैं सर। ठीक है सर, हम अभी इसका जो भी अभी हम बता रहे हैं ना सारे का वीडियो बना दिए हैं। ठीक है, अच्छा, आपने जो पहला शुरू में जोड़ा, जब आप पहला जब जोड़ते हैं तो आप उससे 5,000 रुपए ले रहे हैं, तो 5,000 रुपए में 1,200 रुपए आपने मेरे को दिया, 800 रुपया मान लीजिए आपका इंटीग्रेशन चार्ज लग गया। ठीक है, तो आपको 3,000 रुपए बचता है ना, लेकिन आप जो इसमें आएंगे, इस जब वो रिटेलर जब रिटेलर जोड़ना चालू करेगा तो वहां इनकम आपका पहले जब वो पहला आदमी को जोड़ेगा तो वहां से आपको 1,800 मिलेगा। ठीक है, फिर उसका जिसको थोड़ा उसने किसी को जोड़ा तो फिर वहां से आपको 1,600 रुपए मिलेगा। ठीक है, आपकी इनकम घटती जाती है लेकिन वॉल्यूम बढ़ते चले जाता है। आपको पहले बार जब खुद जोड़ रहे हैं तो आपको आपको बचा 3,000 रुपया। ठीक है, आपके 3,000 रुपए हो। ठीक है, जब आपने खुद जोड़ा, अच्छा फिर जब जिसको जोड़ा उसने किसी को जोड़ा तो वहां पे आपकी सेविंग हुई 1,800 रुपया। ठीक है, अच्छा आपने आप उसने जिसको जोड़ा उसने फिर किसी को जोड़ा तो वहां पे फिर 200 रुपया घट जाएगा आपका 1,600 रुपया। फिर जिसको जोड़ा फिर उसने किसी को जोड़ा तो वहां पे इनकम आ जाएगा 1,400 रुपया। और ये रिटेलर के बीच में ये पैसा बढ़ते जाता है, ये पैसा जो है वो रिटेलर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होते चले जाता है। अच्छा, ठीक है, और फिर हम लोग इसको फिर और भी मीटिंग्स और ये सब करके थोड़ा सा और ज्यादा अपनी टीम को अटैच करने के लिए करेंगे। ये 200 रुपया जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ले रहे हैं हम, ये टीम को मोटिवेट करने के लिए, मीटिंग करना, ये करना, वो करना, वो सारी चीजें करेंगे हम, जिससे हमारी टीम सब सब लोग साथ मिलकर ग्रो करें, डिस्ट्रीब्यूटर भी कमाए, मेरा रिटेलर भी कमाए, सब लोग कमाए। ठीक है सर, मेरा ये हम जो ये चीज दे रहे हैं उसमें हमारा काम करने का तरीका ये है कि सारे लोग ग्रो करें, सारे लोग पैसे कमाएं। हमारा मकसद है कि हर कोई पैसे कमाए। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरा डिस्ट्रीब्यूटर ने मान लीजिए मेरे को पैसा दिया हुआ है, अब वो पैसा कमा नहीं रहा है या नहीं कर रहा है ये मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मुझसे जुड़ा हुआ हर व्यक्ति कमाए। हमने डिजाइन किया है, ठीक है, आपको कैसा लगा ये? अच्छा है सर। हाँ, और अभी अच्छा ये तो केवल अभी हमने डिस्कस किया है ना, अब इसको हम बाकायदा पैनल में लेके आ जाएंगे। ये जो बाकायदा जो है ना ये हमारे इस वेबसाइट पे जब आ जाएगा ना तब ये और अच्छा लगेगा। अभी तो क्या है, हम लोग इसको और देख रहे हैं ना, अब हम लोग जब इस पे इसको लेके आ जाएंगे, इस वेबसाइट पे ये पैनल आ जाएगा जहाँ पे सारा कुछ देख सकता है, तो आपको रिटेलर को समझाना में भी आसानी होगी। आप उसको खोल के दिखा सकते हैं कि देखिए मेरा ये रिटेलर बना है, इसने इतने रिटेलर को जोड़ा है, इसको इतने पैसे आ गए हैं, तो उससे लोग थोड़ा मोटिवेटेड होते हैं। नहीं तो ये हम लोग इस पैनल पे इसको लाके अभी इंट्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, आपको क्या किया, हर एक जो भी रिटेलर बनाते हैं उसका फोटो देते जाइएगा कि उसको हम गैलरी में डालते जाएंगे। ठीक है ना, कि लोग उसको आसानी से देखेंगे, थोड़ा सा चीजें अच्छी लगेगी। ठीक है ना, ठीक है सर, प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग अच्छा पैसा, मेरा मेरा मकसद है कि मेरा
हर डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो महीने का 30-40 हजार रुपए कमाए, 20 हजार रुपए कमाए, है ना, बेयर जाकर आप लोगों को दिक्कत है कि भैया आपका बिहार ग्रामीण बैंक नहीं काम कर रहा है, परेशान है उसके लिए। लेकिन देखिए होता क्या है ना, मान लीजिए ठीक है कुछ परेशानी है अभी कुछ समय के लिए, उसका प्रोग्रामिंग करें उसके प्रयास करते रहना है, ठीक है ना। देखिए अगले महीने हम लोग लगे हुए हैं जा रहे हैं, तो कुछ खुशखबरी हम लोग को देंगे इसमें। ओके सर।